हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, सो इमरान खान साहब के टाइम पे रियली पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा था। मुझे भी पर्सनली कहीं ना कहीं वो अच्छे लगते थे। और ये जो है वो एक ट्रिब्यूट है रियल पठान का, इमरान खान का। आई नो कि राइट नाउ चीज़ें बहुत डिफरेंट है, बट स्टिल एज अ पार्ट ऑफ ट्रिब्यूट आई वुड लाइक टू वॉच, क्योंकि जब मैंने वन मैन आर्मी देखी तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली आप लोग के थ्रू उनके कॉमेंट्स में। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन उनसे रिलेटेड दी, एंड बहुत लोग अब भी मुझे लगता है ही हैज़ अ ग्रेट फॉलोअर, ही वॉज अ ग्रेट मैन, और बहुत सारे लोग अब भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आ जाएं। सो आई रियली वॉन्ट टू सी दिस रील ऑफ जो पठान की बनाई है उन्होंने, द रियल पठान, एंड उसके बाद ही मैं कुछ बोलना चाहूँगी। एंड उस वीडियो को देख के तो लिटरली मतलब गूज बंप्स यानी रोंगटे खड़े हो गए थे। इस वीडियो में भी डेफिनेटली ऐसा ऐसा होने वाला है, बट यू नो लेट्स गिव हिम अ ट्रिब्यूट टुगेदर। सो आइए मेरे साथ इसे देखते हैं। सरप्राइज सरप्राइज, द किंग इज बैक। ये तोड़ दो, ये खौफ के पुत को तोड़ दो, जो डराता है वापस लाओ उसको। इमरान खान साहब पे ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना है और वो भी क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपको हमने ये दिखाया ना कि आपने किस कौम को हाथ डाला है, तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। मैंने तुम्हें कहा था ये मैं जब इख्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था। जंजीरें गिरती नहीं, तोड़नी पड़ती है। आजादी मिलती नहीं, छीननी पड़ती है। इमरान खान के लिए कटने के लिए, मरने के लिए, जान देने के लिए तू तैयार खड़ा है। वो पिकअप एंड बर्न करेंगे, कर्तव्यों को बताएंगे कि कौन होते हो तुम, हमें गुलाम बनाने वाले। हम ले आके दिखाएंगे सामना कैसे लेते हैं। हुकूमत खान बर्दाश्त नहीं आने देंगे। मैंने एक रात में अल्लाह का फजल इस कौम पे देखा है, वो एक डायरी उठा के एक जुमला बोल के निकला है। अल्लाह ने जो दिल बदले हैं इस कौम के, उसकी पॉपुलैरिटी आसमान से नीचे चली गई। एक कॉल मैंने दी, एक ऐसा लावा पका हुआ है कि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस बारी ये कॉम खड़ी होगी कि गुलामी या मौत, मुझे बहुत पसंद है। जेल में छोटी चीज हम जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार, ये नहीं समझना कि ये सियासत है, ये जहाद है। अल्लाह को कह के आया करके, मैंने कहा अल्लाह को एक मौका दे दें, एक मौका दे, जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया मैंने इनको किसी सूरत में छोड़ा। पैसा चोरी की, पैसा बाहर गया, जब पकड़े जाने लगा फिर बाहर भाग गया, और अब एनआरओ लेके फिर पाकिस्तान आया। देखो इनको 22 करोड़ सवाल आपके सामने खड़े, तो जो जवाब मांगेंगे जवाब लेंगे। आज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। उनसे तुझे उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदें, बता तो सही और काफी क्या है। इंशाल्लाह द टाइम इज कमिंग वेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड वी शुड हैव डेमोक्रेसीज रादर देन डिक्टेटर्स एंड किंग्स रनिंग मुस्लिम कंट्रीज। लोग दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हर मुसलमान दावा करते हैं, लेकिन वो बुतों के सामने झुक जाते हैं। ये सारे बुत, खौफ का बुत, ऐसे का बुत, मैं का बुत, ये सारे बुत हैं। हम मैं क्या अपने नजरिए से पीछे हट जाऊं, मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं किसी की गुलामी करूं। मुझे तो हैरत होती है कि हमारे ये जो लोग मुल्क के महाफिज हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। फिर चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, जो मर्जी करना है इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, जो भी करना है। मेरा ये अल्लाह से वादा है, मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ा। वाह दोस्तों, दिस वॉज सो ब्यूटिफुल। मतलब ऐसा लगा कि मैंने पूरी जर्नी देख ली, द एडिट्स वेर सो वंडरफुल। आई मीन सलेमान के एडिट्स जो हैं, दिस इज सो ग्रेट। वन मैन आर्मी में भी, एनएस में भी, आई मीन ऐसा लगा कि मैं साथ में वहाँ पे प्रेजेंट थी, लाइव एंड सब कुछ वो सामने होता चला गया। इट्स रियली अमेजिंग। एंड जो क्राउड आप लेवल देख रहे हैं पॉपुलरिटी का, इतनी भीड़, इतना लोगों में जोश, इतना जज्बा, मुझे लगता है आज भी वो है। और बहुत सारे लोग अभी भी पाकिस्तान में चाहते हैं कि इमरान खान साहब वापस आएँ, और यू नो इमरान खान साहब जो हैं वो उनके आला मुकीम बने।
सो आई मीन रियली वंडरफुल मैन, रियली अमेजिंग मैन. मुझे भी कहीं ना कहीं वो इंटरनली जो है वो अच्छे लगते थे पाकिस्तान में. उनके टाइम पीरियड में काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई, तो पर्सनली बहुत मैं भी उनको जो है वो पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि वो वापस आए. बट यू नो, बट ओवरऑल दिस वॉज अ ग्रेट वर्क. आपका इस पर क्या कहना है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिए.